हेलो एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के अंदर सेक्शन 167 को, यानी आज हम लोग समझेंगे सीआरपीसी की धारा 167 को। ये सेक्शन 167 सीआरपीसी की डील करती है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वारंट के अरेस्ट होता है और पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये सेक्शन 167 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वारंट के अरेस्ट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेक्शन 57 में सीआरपीसी की बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वारंट के अरेस्ट होता है तो पुलिस वाले उसको कस्टडी में अपने 24 घंटे से ज्यादा नहीं रख सकते, 24 घंटे से ज्यादा उसको डिटेन नहीं कर सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन से, बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत से। अगर वो 24 घंटे से ज्यादा रखना चाहते हैं तो मजिस्ट्रेट की इजाजत लेनी पड़ेगी, अनिवार्य है। जब मजिस्ट्रेट उनको ऑथोराइज कर देगा कि हाँ आप 24 घंटे से ज्यादा रख सकते हैं, उसको पूछताछ कर सकते हैं उससे, तभी वो रख सकते हैं 24 घंटे से ज्यादा, वरना वो 24 घंटे से ज्यादा उसको अपनी डिटेन नहीं कर सकते हैं, कस्टडी में नहीं रख सकते हैं। तो सेक्शन 167 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस द्वारा अरेस्ट होता है और डिटेन किया जाता है और पुलिस वालों को ऐसा लगता है बिना वारंट के, पुलिस वालों को ऐसा लगता है कि पुलिस वाले 24 घंटे के अंदर जो है जांच को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पर जो आरोप लगे हैं उस अभियुक्त के, अक्यूज के अगेंस्ट, वो पुलिस वालों को लगता है कि कहीं ना कहीं बन रहे हैं, पुलिस वालों के हिसाब से लगता है कि हाँ वो बन रहे हैं। तो पुलिस वालों में जो ऑफिसर इंचार्ज होगा पुलिस स्टेशन का या कोई और पुलिस ऑफिसर, लेकिन सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए, तो वो जो एंट्रीज है किया है उन्होंने अपनी डायरी के अंदर, उसके साथ अक्यूज्ड को जो उनके नियरेस्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, उसके पास फॉरवर्ड करेंगे। अब जो न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा, ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, उसके पास ये अक्यूज्ड पहुंचता है, अपियर होता है, पुलिस वाले उसको फॉरवर्ड करते हैं। उसके बाद वो न्यायिक मजिस्ट्रेट देखता है कि अगर जरूरत है और बढ़ाने की और दिन तक उनको कस्टडी में रहने के लिए, तो वो बढ़ा सकता है, पर 15 दिन से ज्यादा नहीं कर सकता है, सिर्फ 15 दिन तक जो है और उसको कस्टडी में दे सकता है। और इस 15 दिन के अंदर जो मजिस्ट्रेट होगा उसको चाहे तो ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज सकता है या तो पुलिस कस्टडी में भेज सकता है, पर पुलिस कस्टडी जो है किसी भी केस में 15 दिन से ज्यादा नहीं होगी। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 15 दिन से ज्यादा किन केसेस में नहीं होगी। तो मजिस्ट्रेट जो है यहां पे उसको भेज सकता है ज्यूडिशियल कस्टडी में और पुलिस कस्टडी में। अब यहां पे हम लोगों को यह समझना पड़ेगा कि ज्यूडिशियल कस्टडी यानी जो न्यायिक कस्टडी होती है और जो पुलिस कस्टडी होती है, इन दोनों में फर्क क्या है। जो पुलिस कस्टडी होती है इसका मतलब होता है कि जो थाने में लॉकअप होता है उस जगह पे उसका उस पे उसको लॉकअप में रहना, उस जगह पे कस्टडी में रहना। जो ज्यूडिशियल कस्टडी होती है उस जगह पे जनरली जो अक्यूज्ड होता है वो जेल में होता है। जो पुलिस कस्टडी होती है उसके अंदर वो पुलिस के अंडर में होता है, और जो ज्यूडिशियल कस्टडी होती है वो ज्यूडिशियल यानी मजिस्ट्रेट के कस्टडी में होता है। पुलिस कस्टडी में अगर कोई व्यक्ति है तो पुलिस वाले उससे जैसे चाहे इंटरोगेट करें, जैसे चाहे पूछताछ करें, परेशान करें, लीगल रास्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इलीगल भी रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, वहां कोई बैठा ही नहीं है। लेकिन जो ज्यूडिशियल कस्टडी के अंदर व्यक्ति होता है उससे वो जनरली पूछताछ नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक्सेप्शनल केस के अंदर। तो क्योंकि ज्यूडिशियल कस्टडी में उनको ज्यादा राहत मिलती है, जो अक्यूज्ड होते हैं उनको ज्यादा राहत मिलती है, ज्यादा उस जगह पे वो इजी होती है उनकी लाइफ, क्योंकि जो पुलिस कस्टडी होती है उसके अंदर जो है पुलिस वाले अपने तरह से इंटरोगेट करते हैं, अपने तरह से पूछताछ करते हैं। तो टोटल जो है 15 दिन के लिए और कस्टडी बढ़ा सकता है मजिस्ट्रेट। अब वो ज्यूडिशियल कस्टडी भी हो सकती है, पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, या ज्यूडिशियल दे के बाद में पुलिस कस्टडी दे दिया, या पुलिस का दे के फिर बाद में कस्टडी बदल दिया। लेकिन ये आगे बता रहा, अगर मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तो वो फर्दर जो है उसको फॉरवर्ड कर देगा उस मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास इसका ज्यूरिसडिक्शन होगा ट्राई करने का, और जो मजिस्ट्रेट होगा वो 15 दिन से भी ज्यादा कस्टडी बढ़ा सकता है उस अक्यूज्ड की, उस अभियुक्त की 15 दिन से भी ज्यादा कस्टडी बढ़ा सकता है उन केस में, जिन केस में जो चार्जेस उसके अगेंस्ट लगे हुए, जो आरोप लगे हुए उसके अगेंस्ट, उसके अंदर सजा जो है वो या तो सजाए मौत है या उम्र कैद है या 10 साल या 10 साल के ऊपर की सजा है, यानी 10 साल से नीचे की सजा नहीं है,
उस केस में 90 दिन तक, मैक्सिमम 90 दिन तक उसकी कस्टडी को बढ़ा सकता है मैजिस्ट्रेट, उसको दे सकता है कस्टडी के अंदर। लेकिन अगर ये 90 दिन की हम लोग बात करेंगे तो इस 90 दिन में सिर्फ 15 दिन ही वो पुलिस कस्टडी में रहेगा, 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रहेगा, 15 दिन के बाद सिर्फ ज्यूडिशियल कस्टडी के अंदर। और अगर इसके अलावा कोई और चार्जेस लगे हैं तो सिर्फ 60 दिन तक उसकी जो कस्टडी है उसको मजिस्ट्रेट ऑथोराइज कर सकता है, और इन 60 दिन के अंदर सिर्फ 15 दिन ही वो पुलिस कस्टडी के अंदर रह सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम सिर्फ 15 दिन तक पुलिस कस्टडी में रह सकता है, उसके बाद ज्यूडिशियल कस्टडी के अंदर रहेगा। और ये जो 60 दिन और 90 दिन होगा, इसको इसको कैलकुलेट किया जाएगा उस टाइम से जिस टाइम पे उसको डिटेन किया गया है, ना कि जब से उसको अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट के टाइम से नहीं, जिस टाइम से उसको डिटेन किया गया है उस टाइम से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। अब यहां पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, तो इससे थोड़ा सा हमारे ये जो सेक्शन है और क्लियर हो जाएगा। यहां पे ये चीज ध्यान रखना है कि जो ये सेक्शन 167 है ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज का सेक्शन है, यानी मजिस्ट्रेट के पास अभी चार्जशीट नहीं फाइल हुई है, यानी पुलिस वाले जो जांच करने के बाद रिपोर्ट लगाते हैं अभी रिपोर्ट नहीं लगी हुई है, अभी पुलिस वालों ने जांच करने के बाद रिपोर्ट नहीं लगाई है, तो ये उस स्टेज की बात हो रही है। अगर रिपोर्ट लग जाती है, चार्जशीट फाइल हो जाती है, तो मजिस्ट्रेट उसके बाद जो है वो रिमांड पे दे सकता है सेक्शन 309 ऑफ सीआरपीसी की। उससे पहले जब तक जांच चल रही है, जब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया है, तो इस सेक्शन 167 के अंदर जो है उसको डील करेगा, उसकी रिमांड पे उसको भेजेगा, लेकिन पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी भेजता है। लेकिन अगर चार्जशीट लग गई है तो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होगा वो इस सेक्शन 167 के हिसाब से नहीं चलेगा, फिर वो सेक्शन 309 के हिसाब से चलेगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे इसका ये पॉइंट कह रहा है कि मान लीजिए जब ये 60 डेज और 90 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, अब ये 60 दिन भी कंप्लीट हो गए, 90 दिन भी कंप्लीट हो गए, अब भी पुलिस से जांच का खत्म नहीं हो पाई, अभी भी पुलिस जांच करे जा रही है और पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लगाई, चालान नहीं फाइल किया और चार्जशीट नहीं फाइल करी, तो उस केस में जो अभियुक्त है उसके पास अधिकार हो जाएगा कि उसको बेल के ऊपर रिलीज किया जाए। अब यहां पे ये उसका अधिकार बन जाएगा, बाय डिफॉल्ट अधिकार है, हो सकता है कि वो गिल्टी हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहां पे ये उसका अधिकार बन जाएगा ताकि अक्यूज को प्रोटेक्ट किया जा सके। मान लीजिए 60 दिन भी गुजर गए, 90 दिन भी गुजर गए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस ने अभी तक चार्जशीट नहीं फाइल करी, तो अब यहां पे अक्यूज के पास अधिकार आ जाएगा कि उसको बेल पे रिलीज कर दिया जाए। लेकिन एक बार अगर चार्जशीट फाइल हो गई तो फिर उसको इस सेक्शन 167 सबसेक्शन 2 के अंदर बेल पे रिलीज नहीं किया जा सकता है, फिर उसको इस पे बेल पे रिलीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां पे बेल पे कब रिलीज किया जा रहा है, जब 60 दिन और 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल ना हो जाए, जब फाइल हो जाएगी तब उसको इसमें कैसे छोड़ेंगे। तो ये उससे पहले किया है कि चार्जशीट फाइल नहीं होती, अगर मजिस्ट्रेट ने कॉग्निसेंस ले लिया है उसके बाद मजिस्ट्रेट जो है उसको रिमांड भेजता है सेक्शन 309 के अंदर, फिर उसके बाद दूसरे प्रोविजंस लागू हो जाते हैं। फिर इसके बाद आगे ये कह रहा है कि नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथोराइज डिटेंशन ऑफ द अक्यूज इन कस्टडी ऑफ द पुलिस, यानी ये कह रहा है इसके अंदर जो ये बी वाला क्लॉज है सबसेक्शन 2 के अंदर, ये कह रहा है कि कोई भी मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं देगा जब तक वो व्यक्ति जो है खुद एज अ पर्सन अपियर ना हो, खुद अपियर ना हो, चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे सेकंड टाइम हो, पर ज्यूडिशियल कस्टडी के अंदर देता है तो वो चाहे खुद भी अपियर हो सकता है या तो वो वीडियो लिंकेज के जरिए भी उसको ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज सकता है। और इसके अंदर भेज रहा है, बता रहा है इसका जो सी क्लॉज है कि नो मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट शैल ऑथोराइज डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस, ये कह रहा है कि जो सेकेंड क्लास मैजिस्ट्रेट होगा वो नॉट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ बाय द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट द्वारा इस काम के लिए एम्पावर नहीं है वो उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में नहीं भेज सकता है। फिर उसके बाद कई एक्सप्लेनेशन इसके अंदर जुड़े हुए, एक्सप्लेनेशन कहते हैं कि अगर वो व्यक्ति जो है बेल देने को तैयार है, मतलब बेल फर्निश करने के लिए तैयार है, तभी उसको रिलीज किया जाएगा, ऐसा नहीं है कि 60 दिन 90 दिन हो गया तो अब उसको मजिस्ट्रेट छोड़ दे,
ऐसा नहीं है, वो बेल फर्निश करने के लिए तैयार है, क्योंकि यहां पे जो बेल मिलती है बाय डिफॉल्ट मिलती है, क्योंकि ये एक स्टैट्यूटरी राइट दे दिया गया है कि 60 दिन में ना कंप्लीट हो, 90 दिन में ना कंप्लीट हो तो उसको छोड़ दो। मान लीजिए उसको छोड़ दिया गया, उसको छोड़ दिया गया, लेकिन लग रहा है कि उसने जो ऑफेंस किया हुआ है उसको किया हुआ, उसकी बेल फिर कैंसिल हो सकती है। सेक्शन 437 के अंदर उसकी जो बेल है वो फिर से कैंसिल हो सकती है। और इसमें जो प्रूफ के लिए कि उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था कि नहीं, तो उसकी साइन ले ली जाएगी, साइन ले ली जाएगी, या अगर वीडियो लिंकेज के द्वारा अपियर हुआ था तो मजिस्ट्रेट इसको सर्टिफाई कर देगा बाय ऑर्डर के जरिए। और अगर कोई औरत है तो औरत के लिए इसमें बताया जा रहा है कि उसको रिमांड के लिए जो है बताया जा रहा है कि भेजा जाएगा रिमांड होम में या रिकॉग्नाइज्ड सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर, अगर कोई औरत है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। और अगर मान लीजिए जैसे इसमें बताया जा रहा है कि कोई जांच 24 घंटे में पुलिस वाले नहीं कंप्लीट कर पाते हैं तो वो न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज को भेजेंगे, अभियुक्त को भेजेंगे जो डायरी में उन्होंने एंट्री करी उसके साथ। पर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मौके पर मौजूद है, क्योंकि 24 घंटा हो चुका है और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं मौके पर मौजूद है, तब क्या करेंगे? तो उसके बाद इसके अंदर आती है इसकी सब सेक्शन 2A। ये कहता है कि उस केस में आप जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा, जिसके पास जो ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर भी कन्फर करी गई होगी, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा आप उसके पास लेके जा सकते हैं, उसके पास पुलिस लेके जा सकती है, और वो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा वो उसकी कस्टडी को 7 दिन बढ़ा सकता है, मतलब टोटल जो है वो 7 दिन तक दे सकता है। जैसे हम लोगों ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे पढ़ा था कि 15 दिन था, तो यहां पे मैक्सिमम 7 दिन, उससे ज्यादा नहीं, फिर उसके बाद वो जो है ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट जो होगा उसको फॉरवर्ड कर देगा। फिर इसका सबसेक्शन 3 कह रहा है, अ मजिस्ट्रेट ऑथोराइजिंग अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर सो डूइंग। और जो मजिस्ट्रेट जो है उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी के लिए ऑथोराइज कर रहा है, पुलिस कस्टडी में भेज रहा है, वो इसका रीजन रिकॉर्ड करेगा। ये इसका सबसेक्शन 3 कह रहा है। सबसेक्शन 4 कह रहा है, एनी मजिस्ट्रेट अदर देन द चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मेकिंग सच ऑर्डर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी। यानी कोई भी मजिस्ट्रेट, सीजेएम को छोड़ के, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को छोड़ के कोई भी मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर करता है तो वो इसके लिए रिपोर्ट जो होगा वो फॉरवर्ड करेगा सीजेएम को, चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट को इसके बारे में जो होगा रीजन बताएगा। और इसका सब सेक्शन 5 कह रहा है, इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय अ मजिस्ट्रेट एज अ समन्स केस। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस है जो समन्स केस है, मजिस्ट्रेट द्वारा ट्राई किया जा रहा है, अब उसके अंदर 6 महीना कंप्लीट हो चुका है, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीना कंप्लीट हो गया लेकिन आज तक जांच खत्म ही नहीं हो पाई, तो उस केस में जो है मजिस्ट्रेट ऑर्डर करके कह देगा कि आप जांच को यहां पे रोक दो। लेकिन अगर जो जो प्रोसिक्यूशन है, जो ऑफिसर है, वो मजिस्ट्रेट को इस चीज के लिए सेटिस्फाई कर देता है कि नहीं जांच करना अभी जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट जो है उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आदेश दे सकता है। फ्रॉम द टाइम ऑफ विच द अक्यूज वॉज अरेस्टेड द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मजिस्ट्रेट मना कर देगा इसके अंदर कि कर सकता है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन मत करो, लेकिन अगर ऑफिसर जो है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो पुलिस वाले को सेटिस्फाई कर देता है कोई स्पेशल रीजन में कि जस्टिस के लिए अभी जांच होना जरूरी है, तो मजिस्ट्रेट जो है जांच का आदेश दे सकता है कि मजिस्ट्रेट जांच जो है वो चलती रहे। अगर मान लीजिए उसने कैंसिल कर दिया, इसका सबसेक्शन 6 कह रहा है, तो कोर्ट ऑफ सेशन से भी आप एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन डालने के बाद इसकी इजाजत ले सकते हैं। तो ये हम लोगों का सेक्शन 167 जो है ये कवर हो गया है। अब इससे जुड़ी हुई अगर कोई चीज है हम देख लेते हैं, अगर इंपॉर्टेंट होगी तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि 60 दिन और 90 दिन जो है वो कैलकुलेट होगा जिस तारीख से उसको डिटेन किया गया है, ना कि जिस तारीख से उसको अरेस्ट किया गया है। और जो 15 दिन जो कैलकुलेट किया गया है कि 15 दिन जो है उसको ऑथराइज करेगा, वो 15 दिन कैलकुलेट किया जाएगा उस तारीख से जिस तारीख में वो मजिस्ट्रेट के सामने अपियर होता है, जो अभियुक्त, उसका 15 दिन उस टाइम से कैलकुलेट किया जाएगा। एक चीज इसके अंदर है कि 3 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट दैट फाइलिंग ऑफ चार्ज शीट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर स्टैट्यूटरी बेल डज नॉट अफेक्ट द राइट ऑफ द अक्यूज्ड टू बेल।
बस ये हम लोगों का 61 सेक्शन 167 जो है लगभग पूरा कवर हो गया। अब इसके अंदर कुछ केसेस अगर होंगे तो केसेस इसमें देख लीजिएगा, बाकी इसके अंदर और कुछ ऐसी नहीं है बताने वाली। केसेस से बहुत सारी चीजें, मेन जो सारी चीज थी वो पूरा स्ट्रक्चर हमने इसका कवर कर लिया है।